ज्यादा दिक्कत होनी। ये लोग हमें यहाँ विकसित नहीं करने देना चाहते, पर यहाँ कोई मदद करने वाला नहीं है। जनप्रतिनिधि ऐसे रात को पत्थर मैंने इकट्ठे किए तो चोरी करके ले गए। जैसे ही लेबर लगा रहा हूँ कोई ना कोई तहसील का आदमी आके जो हस्तक्षेप कर देता है। दगड़ियाओ, जुनियाली उत्तराखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत। उत्तराखंड में पिछले लॉकडाउन के समय से घर वापसी यानी रिवर्स पलायन की बात सुनने में आ रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है और हकीकत क्या है, ये हम आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। प्रतिष्ठित व्यवसायी 62 साल के कांता प्रसाद भदुला कोटद्वार में रहते हैं। उनके पास अपने गांव सुंदरई चौबट्टा खाल पौड़ी गढ़वाल में ठीक ठाक पुश्तैनी जमीन है। उन्होंने इस जमीन पर अपने बेटों के लिए पर्यटन संबंधित स्वरोजगार शुरू करने की सोची, लेकिन उन्हें शुरुआत से ही काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी सुधीर सुंदरियाल ने उनसे बातचीत की। भाई साहब नमस्कार, आपको शुभ नाम? कांता प्रसाद भदुला जी, रामकृष्ण भदुला, ग्राम सुंदरई। अच्छा, हाल निवासी कोटद्वार। कोटद्वार। अच्छा, आप ई उम्र है ना, मिथे लगन 60 प्लस का उम्र है ना, तो आप रिवर्स माइग्रेशन करके वो मैदानी क्षेत्र छोड़ के अपनी जन्मभूमि मा कर्म भूमि मा आवा, तो कन लगनो छे काके? बहुत बढ़िया लगनो छे। हम तो आने लगा रहनो पर्सन जो चाहना चाहो कि सब बाल बच्चा या मेरा भाई बंद आके हमा कुछ करीन। अच्छा, क्योंकि मेरी हमा कम से कम 30 नाली जमीन छ। अच्छा अच्छा, और मेरे गांव वालों की 18 नाली जमीन। अच्छा, खसरा नंबर 1849 और खसरा नंबर 1848 मेरी लक्ष्मी। अच्छा। भदुला, राजेश भदुला के नाम से। अच्छा अच्छा, मैं ये देखो चाहो ये आप यकम शुरुआत कर रहा यकम एक सेट भी बने आला है ना, आप यकम एक बड़ो मॉडल जन के लोगों से सुना कि आप एक बहुत बड़ो पर्यटन को मॉडल तैयार करना चाहो जैम के हमारा क्षेत्र कई बच्चों से रोजगार भी मिलो। तो ये कनम कोई दिक्कत उक्कत नहीं होनी, सब आसानी से होनी चाहिए क्या? बहुत ज्यादा दिक्कत होनी। सन 2019 से मैंने डीएम को लेटर दिया तो एसडीएम ने उसको लेटर को कहीं दबा दिया। एक लेटर सतपाल महाराज को भेजा पर्यटन मंत्री को, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। एक लेटर तीरथ सिंह माननीय लोकसभा सांसद उनके बिल्कुल मिलके एकदम से उनके पीए को दिया। उन्होंने एसडीएम असवाल जी को आश्वासन किया कि भाई इनको कार्य करने की इजाजत दे दी जाए। एसडीएम साहब का ट्रांसफर हो गया और पोखरियाल जी तहसीलदार रिटायर हो गए। उसके बाद जितने भी आए ये लोग हमें यहाँ विकसित नहीं करने देना चाहते। अच्छा, आप बोलो मतलब हमारा कोई सपोर्ट नहीं दे रहे। अच्छा, जो सरकारी एजेंसी संबंधित जीरो हो रखी है वो आपसे सही माइग्रेट होना ही नहीं देना चाहती। अच्छा अच्छा, कोई इन स्थानीय जनप्रतिनिधि कोई सहयोग मिलना चाहिए? कोई सहयोग नहीं है हमारे जनप्रतिनिधि। दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमारे गाँव सुंदर जो चा ब्लॉक प्रमुख चे लड़की और प्रधानी पीछे, और प्रधानी का ससुर जो है अपनी पंचायत में जितने भी काम है उनका पता नहीं लगता। दूसरा, जब भी मैं उसके पास गया कि यार पेड़ कटाने के लिए परमिशन है, ग्राम सभा में लिख के दे दे कि ये गांव का रहने वाला है, तो उसकी जो है मोहर जो है अपने जेब में रखी रहती है, कुछ नहीं देता। अच्छा। कुछ नहीं मिलता। दोबारा जो है भूतपूर्व प्रधान है उससे भी मैंने, जब वो प्रधान में थे, मैंने कहा यार इसमें से एक लेटर बना के दे दे, उन्होंने वो भी नहीं दिया। नहीं चाहते ये लोग कि ये लोग मतलब शिक्षित लोग यहाँ आए और यहाँ के कोई व्यवसाय करें, क्योंकि इनका रुतबा खत्म हो जाएगा। और हमारे आप बिल्कुल सही बात बना चो, ये बहुत लोगों की एक सबसे बड़ी शिकायत था। आज एक डेट हम गवर्नमेंट रिवर्स माइग्रेशन प्रमोट करो चाह, बहर बैठे लोगों थे बुलाओ, पर जो आनो चा थे नहीं है। रिवर्स प्लान वाले भी पैसा खा रहे हैं। आयोग जो बना हुआ है एक जो है काला हाथी है, बिल्कुल कुछ नहीं है, कोई नहीं सुनता लेटर। एक अनिल बलूनी है जिनके पास अभी हमारे लेटर गए नहीं है। मैंने इसके लिए रोड के लिए सिर्फ 20 मीटर रोड काटने के लिए प्रशासन से मांगी थी, अपने दम पे मैंने रोड लाया हूँ। इतना मैं वर्क कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि एक डायरी खुल जाए यहाँ पे, एक आध कुकुट फार्म खुल जाए और मेरे भाई करें। 63 की उम्र में मुझसे नहीं हो सकता, पर मैं इनको डेवलप करना चाहता हूँ कि ये लोग यहाँ आके बसे, मेरी जमीन में बसे, मैं पैसा लगाऊंगा, तुम मुझे रिवर्स मत करो, तुम्हारी रोजी रोटी बन जाए।
इसलिए मैंने यहाँ पे प्रयास किया था आप क्योंकि मेरे दोनों बेटे बेरोजगार हैं, एक ओमान से वापस आया है वो 1.5 साल हो गया घर में बैठा है, एक दूसरा भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए मैंने मुझे दर्द होता है कि यदि वो फ्रस्ट्रेट न हो जाए, ऐसे मेरे जितने चाचा ताऊ या जितने भी हैं भाई इनकी नौकरी जो है कोरोना ने खा ली है और ये फ्रस्ट्रेट हो गए, इन्होंने कुछ कर दिया तो सारा परिवार खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। परिवार संभालने के लिए मतलब वापस अपनी जमीन में आने के लिए यहाँ क्या नहीं है, क्या पैदा नहीं किया हमने, यहाँ हल चलाए, इतनी खेती पैदा करी, क्या नहीं किया हमने पैदा, उसी को खाते थे, आज क्या कोई नया थोड़ी है। मेरा जितनी भी हमारी सरकारी एजेंसियां हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनसे यही आग्रह है कि अगर कोई आदमी रिवर्स माइग्रेशन के तहत घर वापसी कर रहा है तो जितना हो सके आप उसे सपोर्ट करें, ये नहीं कि आप उसे डिमोलाइज करें। जिस प्रकार से आप श्री कांता प्रसाद भदुला जी की जुबानी उनकी कहानी सुन रहे हैं, ये बहुत ही हतोत्साहित करने वाली है। और मुझे लगता है जब तक ये भाव, ये विचार, इस तरह का ये माहौल कुछ लोगों के द्वारा बनाया रहेगा तो यहाँ कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता, कोई रोजगार के संसाधन नहीं बन सकते। वीर जी, इसमें मेन कारण क्या है कि जैसे ही लेबर लगा रहा हूँ कोई ना कोई तहसील का आदमी आके जो हस्तक्षेप कर देता है, मेरी नाप खेत जमीन है, एक इंच भी कैसरीन हो तो मैं सारी जमीन छोड़ दूंगा, पर ये हमेशा परेशान करते हैं। पिछली बार मैंने 6 लेबर लगाई थी, 3,000 रूपए उनको दिया, एक भी पत्थर नहीं हुआ। जनप्रतिनिधि ऐसे है, रात को पत्थर मैंने इकट्ठे किए तो चोरी करके ले गए, पाइप भी रखूंगा तो पाइप भी चोरी हो जाएंगे, यहाँ तो ये स्थिति है। एक मैंने टिन सेट डाल रखा है इसीलिए कि मैंने कहा इसको जो है इसके अंदर लॉक रहेगा सामान, पर यहाँ कोई मदद करने वाला नहीं है, ये हमें खाने वाले हैं, चाह रहे हैं कि ये दोबारा यहाँ ना आए, सीधा सा हिसाब है। आप सब लोग जो ये वीडियो देखना चाहो, मैं 2 दिन से बैठा हूँ, तो SDM साहब ने कल आना था, नहीं आए, मैं उनको देखता रहा, आज भी देख रहा हूँ, और मैं खाली गाँव में ऐसे पड़ा हुआ हूँ अकेले। आप सब लोगों से निवेदन था, जो भी ये थे देखना चाहो ये चीज थे समझी, और उन सब लोगों थे समझाने की कोशिश करी जो यूं सब विषय से संबंधित छे ना, मैं आपसे शुभकामनाएं दे सकता, बहुत बहुत शुभकामना, आप लक्ष्य हासिल करें, आप भलो लगे फील करो, आपका कुछ भी हो जाए अड़चन भी आएगी पर हम तो लक्ष्य हासिल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। 2 साल लगे, 1 साल लगे, आपसे जो भी हमसे सहयोग वालू वो सहयोग आपसे हर समय हमारी तरफ बटे मिलने रहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर धन्यवाद। दगड़ियाओ, तो आपने देखा कि किस तरह भदुला जी सरकारी कर्मचारियों और स्थानीय लोगों के रवैये से असंतुष्ट हैं, बावजूद परेशानियों के उनकी कवायद लगातार जारी है, भवन निर्माण का कार्य जोरों पर है। इस तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए जुनियाली उत्तराखंड से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें। धन्यवाद।